हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन 5 क्या है हमारे पास, उसकी पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि उसमें हमने करना क्या है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इन अ क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट हुआ, द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। यहाँ पर बताया हुआ कि जो सम है शेफाली के मार्क्स का मैथमेटिक्स और इंग्लिश में कितने हैं, 30। मतलब कि मैथ में उसके कुछ नंबर है, इंग्लिश में कुछ नंबर है और दोनों को ऐड करके कितना बना, 30। ठीक है, अब हमारे पास आ गया हैड शी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। अब उसे 2 मार्क्स ज़्यादा मिले मैथमेटिक्स में और एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। अब मैथ दोनों का टोटल कितना था, 30। अब अगले में उसने कहा कि मैथ में 2 मार्क्स मोर मिले, मतलब उसमें 2 ऐड हो चुके हैं और लेस इन किस में, इंग्लिश में, मतलब उसमें से 3 माइनस हो चुके हैं। ठीक है, फिर आगे कंडीशंस भी दी हैं, अगर पढ़े हम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बिन 210। मतलब उनकी दोनों के मार्क्स का प्रोडक्ट, मतलब 2 मैथ में ज़्यादा और 3 इंग्लिश में कम, उन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 210। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, मतलब मैथ के और इंग्लिश के मार्क्स फाइंड करने हैं हमने जनरली। तो हमें इनकी वैल्यूज पता है इंडिविजुअल की, अगर हम जनरली देखें एक्स के भी अनून है, वाई के भी अनून है और दोनों को ऐड करके कितना 130। तो हमारे यहाँ पे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, फिर देखते हैं हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत आएगी। तो हमने क्या स्टार्टिंग में क्या करना है, हमें स्टार्टिंग में लेके चलेंगे लेट। अब हमने उसके मार्क्स की तो एज पता नहीं थी कि मैथ में कितने थे या इंग्लिश में कितने थे, तो हम स्टार्टिंग में मान के चलेंगे लेट शेफाली मार्क्स, मतलब हम स्टार्टिंग में अगर यहाँ पे लिखते हैं कि एक मैथ का था और एक इंग्लिश का था, दोनों में ऐड करके कितने बन रहे थे उसके, 30। ठीक है, फिर एक बार उन्होंने कहा कि मैथ में उसके एक बार कम हो गए, नहीं 3 मार्क्स ज़्यादा हो गए और इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस हो चुके हैं। ठीक है, और दोनों के प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 210 के। ये सारी कंडीशंस हैं, तो वही मैथ के अननोन है इसके अननोन, तो उसकी वैल्यू हमने कुछ माने पड़ेगी, इसकी ये मानेंगे, इसकी भी कुछ मान सकते हैं, 30 के इक्वल है। तो वह मान के चलेंगे लेट शेफालीज गेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स, कितने मार्क्स हैं उसके, एक्स। ठीक है, हमने मैथमेटिक्स में मान लिया, अब इंग्लिश में भी जनरली मान सकते हैं, लेट शेफालीज मार्क्स इन इंग्लिश, कितने हैं उसके इंग्लिश में मार्क्स, बता सकते हो यहाँ से। अगर जनरली हम देखें कि हाँ इसमें अगर ज़्यादातर सोचा जाए कि हम वाई मान सकते हैं, बट वाई से आप ही देखना क्वेश्चन आपका पजल हो जाएगा, क्योंकि हम जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल में सोल्व करते हैं कि एक्स और एक्स, तो जो इसको आपको मानना पड़ेगा, इसको भी आपको इन टर्म्स ऑफ एक्स में मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ से समझे कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 30 था, अगर हम इसको वाई मान रहे समझने के लिए कि यह है मैथ के मार्क्स और ये है इंग्लिश के मार्क्स, दोनों को मिला के कितना बन रहा था हमारे पास, 30। तो यहाँ से y की वैल्यू आ सकती है सिर्फ इंग्लिश के, इन टर्म्स ऑफ x, हाँ निकल गया। तो यहाँ से इन टर्म्स ऑफ, मतलब इंग्लिश के मार्क्स आ गए इन टर्म्स ऑफ x में, तो उसकी वैल्यू हुई 30 माइनस x, अगर आपको ये समझ आया। ठीक है, ये y माना नहीं क्योंकि अलग अलग वेरिएबल, अब देखना ये भी इन टर्म्स ऑफ x आया, ये भी इन टर्म्स ऑफ x आया। ठीक है, अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या आ रही, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कंडीशन थी हमारे पास क्वेश्चन में, अगर पढ़ सकते हो आप, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल था, 210 के इक्वल, अगर जनरली समझे। तो हम पहले स्टार्टिंग में लेके चलेंगे, मतलब क्वेश्चन में जो भी कंडीशन थी कि अब शेफाली के मार्क्स इन मैथमेटिक्स में कितने आएंगे, अब उन्होंने कहा 3 मोर, तो एक्स प्लस के 2 मोर आएगा एक्स प्लस के 2। और सिमिलरली शेफाली के मार्क्स इंग्लिश में, उन्होंने कहा इंग्लिश में कितने लेस होंगे, 3 लेस होंगे, तो एक्स कितने में से, अब इंग्लिश में मार्क्स कितने थे, 30 है, तो 30 माइनस x और माइनस के 3, अगर जनरली समझे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 माइनस x। अब समझ आया ना,
उसके थे मार्क्स इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में कितने मोर हुए, टू टू मोर हुए, और इंग्लिश में मार्क्स कितने हैं उसमें से कितने लेस हुए, थ्री, ये हमने कर दिया। तो इन दोनों की कंडीशंस, आप इन इसका और इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 210 के, हमने पहले लिख दिया था एक जनरल सा क्वेश्चन समझने के लिए। तो कंडीशंस क्या है हमारे पास, कि द प्रोडक्ट, जो हमारे पास प्रोडक्ट है दोनों का, किस किस का, एक है x प्लस टू का मतलब मैथमेटिक्स के मार्क्स दो नंबर ऐड होने के बावजूद, और एक है इंग्लिश के थ्री मार्क्स कम होने के बावजूद, 27 माइनस एक्स, और प्रोडक्ट कितना दिया हमारे पास 210 इक्वल टू, इनको सोल्व कर सकते हैं, इसको फर्स्ट को फर्स्ट से 27x, और फर्स्ट को लास्ट से माइनस का एक्स स्क्वेयर, और सेकंड को फर्स्ट से 27 इंटू टू प्लस के 54 क्योंकि प्लस प्लस था, और इस लास्ट को लास्ट से टू कैसे करेंगे माइनस के 2x। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो, ये बन रहा है माइनस के एक्स स्क्वेयर और प्लस के 54, और 27 माइनस के 2 कितना बन गया प्लस के 25x, और 210 अब एक्स स्क्वेयर इसका था, तो इसको सबको इधर ले आओ क्योंकि हमने क्या बनानी है क्वाड्रेटिक, तो सारी इक्वेशंस को इधर ले आए, एक्स स्क्वेयर प्लस को हो गया और माइनस के 25x इधर आ गया, और क्या हमारे पास 210 और 54 माइनस के नहीं प्लस के 210 और माइनस के 54 क्योंकि ये सारी उधर गई है, तो माइनस का 54 रहेगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास सारा सोल्व करके आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस 25x। अब 210 में से हम 54 माइनस करेंगे, इसका माइनस करके आएगा आपके पास प्लस के 156 इक्वल टू 0। ठीक है, आपके पास सोल्व करके ये आ चुका है। अब हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, अब इसके क्या निकालने हैं हमने x की वैल्यूज, क्योंकि हमने उसके मार्क्स बताने हैं, तो x की वैल्यू एक तरह से उसके रूट्स ही निकलेंगे इस इक्वेशन के, तभी आपके पास x की वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, और मार्क्स भी पता चल जाएंगे, तो रूट्स निकालना है, तो इसमें हम निकालेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। ठीक है, अब जनरली आप पूछोगे हाँ क्वाड्रेटिक क्यों, आप CTS भी लगा सकते हो, आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, तो हम इसमें इस क्वेश्चन में लगा रहे हैं क्वाड्रेटिक से, किसी से भी निकाल सकते हो क्योंकि हमारे पास कोई कंडीशन नहीं दी हुई कि आपने ये निकालना, हमने सिर्फ एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, हम इस क्वेश्चन में लगा रहे हैं क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब वो कैसे निकालेंगे, अब इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लो, इसको कंपेयर करना है किसके साथ, स्टैंडर्ड के, ताकि वहां से किसकी वैल्यू आए, ए की, बी की और सी की। तो कंपेयर इक्वेशन वन विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, ताकि वहां से क्या निकले, ए बी सी की वैल्यूज, ए की वैल्यू कितनी आई है इसके दोनों कंपेयर करके, ए की वैल्यू आ चुकी है 1, बी की वैल्यू आ चुकी है माइनस के 25 और सी की वैल्यू आ चुकी है 156। ठीक है, अब हमारे पास जनरली फॉर्मूले में क्या होता है, वही एक्स माइनस के बी स्क्वायर अपॉन 4ac। तो पहले हम उसको चेक कर लेंगे कि उसमें उसकी रियल रूट्स आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, पहले इसे चेक कर लेते हैं कि हाँ नेगेटिव में रूट तो नहीं आ रहा, ताकि उसके रूट्स एग्जिस्ट ही ना करें, अगर रियल आ रहा है तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर रियल नहीं आ रहा है, नॉन रियल आ रहा है, तो उसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो पहले ये चेक कर लेते हैं, बी स्क्वायर कितना था, माइनस 25 का होल स्क्वायर 4ac, ए कितना है 1 और सी कितना है 156। अब 25 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो स्क्वायर तो माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 625, अगर आप सोल्व कर सकते हो 25 into 25, और इसको करेंगे 4 into 4 और 4 into 156 कितना बना, 156 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और इसको मल्टीप्लाई करके आएगा आपके पास 624। ठीक है, अब 625 में से 624 माइनस करें कितना आएगा 1। ठीक है, और रूट के, और रूट के 1 हमें पता होता है किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल, हमें जनरली सब पता है कि हाँ रूट की वैल्यू 1 के इक्वल आ रही है। ठीक है, तो अब इसकी बी स्क्वायर माइनस 4 की हाँ रियल वैल्यू है, तो उसके रूट एग्जिस्ट करेंगे, हाँ करेंगे, तो अब हम इसके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, ए बी सी की वैल्यूज आई थी और एक्स, अब हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखना है, माइनस के बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, माइनस बी था तो बी की वैल्यू कितनी है माइनस के 25, तो माइनस एट इज इट इज रहा, सिर्फ बी की वैल्यू पुट हुई, प्लस माइनस बी स्क्वायर का, अब हमने इसकी वैल्यू निकाली जिसकी वैल्यू आई थी रूट वन, या फिर रूट वन को भी हम वन के इक्वल लिख सकते हैं अपॉन में 2a, 2a कितना था 2 into 1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 25
और प्लस माइनस रूट वन की वैल्यू हमें पता होती है, हम इसको वन लिख सकते हैं, टू इंटू टू। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू आई। अब आगे क्या करना है, एक बार प्लस की उठानी है, एक बार माइनस की। 25 प्लस वन अपॉन टू, और एक्स की वैल्यू एक आई है 25 माइनस वन अपॉन टू। 25 प्लस वन 26 अपॉन टू, और एक्स की वैल्यू आई है 25 माइनस वन 24 अपॉन टू। अभी कैंसिल आउट हो क्या गया 13, ये कैंसिल आउट हो क्या गया 12। एक एक्स की वैल्यू आई है 13 और एक एक्स की वैल्यू आई है 12। अभी दो एक्स की वैल्यूज आई है, तो जनरली हमारे पास एक तरह से मार्क्स आ गए जो हमारे पास पिछले क्वेश्चन में थे, कि ये मैथमेटिक्स के मार्क्स हमने माने थे स्टार्टिंग में कि एक्स थे और इंग्लिश के मार्क्स 30 माइनस एक्स, तो अब दो दो वैल्यूज आ गया। तो इसके अब दो केसेस स्प्लिट होंगे। केस वन में क्या लेके चलेंगे कि हम एक्स को क्या पुट करेंगे 13, ठीक है, और सिमिलरली जो हमारे पास केस टू बनेगा उसमें एक्स को क्या पुट करेंगे हम 12। वैल्यू सारी सेम रहेंगी। अब वही शेफाली के किस में मैथ में मार्क्स कितने होंगे, जो मैथ के जो मार्क्स थे मैथमेटिक्स मार्क्स कितने माने हुए थे हमने एक्स, मतलब कि 13, एक्स की वैल्यू 13 आई है। और इंग्लिश में मार्क्स कितने माने हुए थे हमने स्टार्टिंग में, जो हम लेके चले थे इंग्लिश मार्क्स इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाला था 30 माइनस एक्स निकाला था, 30 माइनस एक्स मतलब कि 30 माइनस के 13 इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर 17। तो ये निकल चुकी है। अब सेकंड केस में भी सेम वही, मैथ के मार्क्स कितने आया एक्स मतलब 12, एक तरह से ही है ना, एक्स की वैल्यू 12 है ये इस पार्ट में, इसमें एक्स की कितनी थी 13, तो एक्स के यहाँ 13 नहीं लिख सकते जो अभी इसका केस स्टडी कर रहे हैं सिर्फ हम। ठीक है, अब सिमिलरली इंग्लिश के मार्क्स वही 30 माइनस एक्स, ठीक है, अब 30 तो आ गया, अब इसमें एक्स क्या लिया था इस केस में 12, अब 30 माइनस 12 कितना आ गया 18। अब ये हमारे पास दो केस में अलग अलग वैल्यूज आई हैं, और इस क्वेश्चन में और इसको ऐसे सोल्व करना, एक बार एक केस लेके और एक बार केस टू लेके, ठीक है, क्योंकि एक्स की वैल्यू दो आई थी और दोनों रियल्स थी तो दोनों को ही रखना पड़ता। तो हमने आगे फर्दर केस स्प्लिट अप कर दिए, केस वन में एक्स की वैल्यू अगर 13 लेते हैं तो मैथ में इतने बनेंगे, और केस में एक्स की वैल्यू को 12 लेते हैं तो इसके इतने केसेस। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ आया होगा। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरीज या डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।